अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने ज़माने में रखें, आमीन। तो जी आज संडे है, बच्चे लेट ही उठे थे, तो नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा मैं मेहंदी मिक्स करके रख लूँ। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें ली हैं, तो मैंने कावा बनाया है बाल छड़ ले के, अनार के पत्ते, कॉफ़ी डाल के। तो यहाँ पर मैं उनको मिक्स करूँगी, सरसों का तेल, एलोवेरा जेल, लीमू और ये कावा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही मिक्स करके रख दूँगी। साथ में मैंने इसमें डाला है क्या कहते हैं उसको, आंवला पाउडर और लीमू डाला है, सरसों का तेल डाला है, कावा बनाया था वो डाला है, एलोवेरा जेल डाला है और उसको मैं मिक्स करके अच्छे से तो 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो मैंने सोचा शायद नाश्ता बनाने से पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके रख दिया है, तकरीबन 1.5 घंटा इसको इसी तरह पड़ी रहने दूंगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठा, बच्चे भी उठ गए थे, आज संडे है तो बच्चे तकरीबन 9 बजे के करीब उठे हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी लगा के तो यहाँ पे मैं उनके लिए बनाऊँगी पराठे। तो ये मैं छुरी की मदद से कट लगा लूँगी और इस यहाँ पर कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी उनके लिए लच्छेदार पराठे। तो छुट्टी वाले दिन बच्चे अक्सर ही लेट उठते हैं, तो कभी कभी तो जल्दी उठ जाते हैं और मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है तो इस वजह से आज बच्चे लेट उठे थे। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं तो मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी। तो पराठे बनाने के बाद मैं जो घर के काम है वो करूंगी और साथ ही मेहंदी भी लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ, तो ये पराठे बना दिए हैं मैंने। तो बच्चों को मैं उठा के मुँह हाथ धो के ब्रश करके तो ऊपर बिठाई थी टीवी लगा के, वो टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय और पराठे उनके लिए तैयार कर लिए हैं, ये 2 शामी थे जो मैंने अपने लिए फ्राई किए हैं। तो बच्चे मेरे जो हैं वो खाते ही नाश्ता करते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पर नाश्ते के बाद मैंने कुछ कपड़े भिगोए थे, मेरी हाथ की मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है तो वो सही करने के लिए दी है। तो ये लाजमी थे कपड़े, बच्चों के यूनिफॉर्म थे और कुछ उन्होंने उतारे हुए थे कपड़े 1-2 दिन के, तो वो मैंने सोचा कि आज संडे है तो वो भी धो ली दे ली थी। तो यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से कपड़े धो के धूप में डाल दिए थे, धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने सारे धो लिए हैं। तो ये कुछ सराहने, उनका रूम टूट गया हुआ था, ख़राब हो गया था, तो वो मैंने चादर बिछा के तो ऊपर डाल दिया है ताकि इसको अच्छे से धूप लगे। 2-3 दिन मैं इनको धूप में डालूंगी तो फिर इसको भरवाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो मेहंदी घोली थी वो सर पे लगा के घर के दूसरे काम कर लूँगी, तो ये मैं खुद ही अपने सर पे अप्लाई करूँगी। तो ये अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी चटनी, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, पुदीना और लहसुन। तो यहाँ पर मैं इनको धो के वाश करके अच्छे से रख लिया था, तो अब मैं इनको एक एक करके मिक्स करके धो लूँगी, कूट लूँगी सॉरी। तो ये मैं सबसे पहले अनारदारा कूट लूँगी क्योंकि ये ज़रा लेट ही होता है। ये मैं पुदीने को अच्छे से कूट के साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करके निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं लहसुन को पीस लूँगी हाथ की मदद से, और पीसने के बाद भरी करने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक। तो अदरक डालने के बाद ही मैं इनको अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, अलग-अलग इनको पीस कर निकालती गई थी और सब ने इसमें मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैं नमक और सूख मिर्च डाल के थोड़ी सी मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसको इस जार में निकाल दिया है, तो ये हाजमे के लिए अच्छी होती है तो ये मैंने जार में निकाल दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर मक्खन जो निकाला है दूध गर्म करने के बाद मैं मलाई उतारती थी वो जमा की हुई थी जो मैंने रात को निकाली थी, ये जग की मदद से मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके ये मक्खन निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं सारी मलाई से मक्खन निकाल के तो यहाँ पे मैंने देचकी में डाल रहा, और जो रह गई है मलाई वो भी मैं इसमें डाल लूँगी मक्खन निकाल के। तो ये फाइनली मक्खन निकल गया है और इसको मैं हल्की आँच पर गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो इसको बॉयल आ गया है तो इसकी अब मैं आंच हल्की कर दूंगी ताकि ये
लस्सी अलग-अलग हो जाए और घी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे फाइनली घी की शक्ल जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो इसकी मैं आँच धीमी सी कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता पकते 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 ये फाइनल लुक पे आ गया। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए अब रख दूँगी, चूल्हा बंद कर दिया है। और साथ ही मैंने इस तरफ बनाई थी साबुत मसूर की दाल, और अब मैं साथ ही बना लूँगी रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाया दोपहर का, और ये ठंडा हो गया था घी, और मैंने ये बाउल में निकाल लिया है। तो ये अब मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो मेहंदी लगाने के बाद सारे काम किए, काम करके खाना वगैरह खाया, तो नहा के उनके हिसाब से मेहंदी निकाल के, तो मैंने उनके बाबा को बोला था कि चले आएँ दर्शन के पास, जाना है अपने कपड़े लेने और बेटे के कपड़े लेने। तो यहाँ पर मैं उनके साथ जा रही हूँ कपड़े दर्शन को देने और कुछ लेने, कि आज का शादी का सीज़न भी है। तो आपसे देंगे तो 10-15 दिन के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं उनके गाँव में पहुँच गई थी। प्रस्थान भी पड़ता है, फाइनली मैं प्रस्थान से गुजर के हम उनके घर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े लिए और उनसे पूछ रही थी कि आज काम नहीं कर रहे, तो कह रहे थे आज संडे है, आज हमने कोई काम नहीं किया। तो कि हम जब वापसी पे आ रहे थे तो रास्ता ब्लॉक था, तो ये ट्रेन गुजर रही है सियालकोट ट्रेन। तो ये फाइनली इसकी ये जो रास्ता ब्लॉक है, ट्रैफिक जाम है, तो इस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो हम पीछे ही रुके थे, आगे तो है रश था। तो ये ट्रेन के घर पर जा रही है अपने स्टेशन पर। तो यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट्स आए थे, बच्चे जो मंथली टेस्ट में पास हुए थे। तो ये छोटी की गुड़िया आई है, साथ में उसका बैग आया है, और ये मैंने वॉलेट मंगवाया था, तो ये वॉलेट आया है। मेरा पहले वाला वॉलेट ख़राब हो चुका था, तो ये मैंने ब्लैक कलर में दिया है। तो ये इसका बैग और डॉल आई है, और ये दोनों बेटों के वाइट बोर्ड आए हैं, उनकी मम्मी ने दिए हैं पास में इतनी खुशी में। तो यहाँ पर मैंने फिर बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर लिए थे, तो साथ ही मैंने शूज़ पॉलिश कर लिए थे, कि सुबह टाइम नहीं होता, लाइट भी नहीं होती, तो मैं ये काम रात को ही कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को।